नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एरिडियम की सुंदरता उसके कॉर्डेक्स पर निर्भर करता है। कॉर्डेक्स को सुशोभित करने की प्रक्रिया शुरू से ही करनी पड़ती है। कॉर्डेक्स के विभिन्न आकार और शैलियां जो आप देखते हैं वह अनुभवी एरिडियम ट्रेनर द्वारा बनाया जाता है। ऑल अबाउट एरिडियम श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में आपके साथ उसी अनुभव को विस्तार से साझा करूंगा और साथ ही साझा करूंगा ऐसा मल्टी एपेक्स एरिडियम ओबेसम बनाने की प्रक्रिया और इस प्रकार की लंबे ट्रांक वाला टावर एरिडियम बनाने की प्रक्रिया। कॉर्डेक्स को सुशोभित करना। सुंदर कॉर्डेक्स बनाने की प्रक्रिया पौध अवस्था में ही शुरू करना होता है। पौधा 3 से 5 इंच का बन जाने के बाद उसे प्रत्यारोपण कीजिए। उस समय मुख्य जड़ को काट दीजिए। और रोपण से पहले अपनी इच्छा अनुसार बारीक जड़ों को व्यवस्थित करें। बारीक जड़ों को इस प्रकार से एक दिशा में घुमा के पॉटिंग करने से आपको ऐसा ट्विस्टेड कॉर्डेक्स प्राप्त होगा और बारीक जड़ों को उलझा कर रोपने से आपको इस प्रकार उलझा हुआ कॉर्डेक्स मिलेगा। मुख्य जड़ ना रहने से यह बारीक जड़ें धीरे धीरे मुख्य जड़ बनेगा और उस हिसाब से जड़ों का आकृति बनेगा जैसे आप उनको व्यवस्थित किए हैं। तो यह है सुशोभित कॉर्डेक्स प्राप्त करने का प्रक्रिया। अब देख लेते हैं मल्टी एपेक्स एडेनियम बनाने की प्रक्रिया। मल्टी एपेक्स एडेनियम ओबेसम बनाना। एडेनियम ओबेसम को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देने से यह लंबा हो जाता है और बहुत ही धीमी गति से रेमिफिकेशन होता है। इन पेड़ों को देखिए, वे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं। इनके एक ही एपेक्स हैं जो लंबे हो गए हैं और कोई शाखा व उपशाखा नहीं बना। यह एडेनियम ओबेसम का स्वाभाविक अवस्था है। एडेनियम अरेबिकम का स्वाभाविक रूप से मल्टी एपेक्स या मल्टी ट्रांक बनता है। हम ओबेसम पर भी इस प्रकार मल्टी ट्रांक बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें पौध अवस्था में काम करना होगा। इसके लिए आपको केवल स्वस्थ पौधों को निर्वाचित करना होगा। पौधा स्वस्थ नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। गोल मटोल कलश के आकार का तना एक स्वस्थ एडेनियम पौधे की निशानी है। इस स्वस्थ कलश आकार तना वाला पौधे को कॉर्डेक्स के ठीक ऊपर से ऐसे काट दीजिए और उन्हें बढ़ने दीजिए। कुछ दिनों में नए अंकुर दिखाई देंगे। पौधा जितना स्वस्थ होगा अंकुर की
संख्या उतनी ही अधिक होगी और आपको ऐसा मल्टी एपेक्स एडेनियम ओबेसम मिलेगा। अब देख लेते हैं लंबा ट्रंक वाला टावर एडेनियम कैसे बनाएं। टावर एडेनियम बनाना, लंबा तना वाला एडेनियम बनाने के लिए आपको चाहिए ऐसे लंबा मुख्य जड़ वाला पौधा, और यहां आपको मुख्य जड़ छोड़कर बाकी सभी जड़ों को काट देना होगा। मुख्य जड़ जितनी लंबी होगी तना उतना ही लंबा बनाया जा सकता है। इस प्रकार बाहरी सहायता देकर इसकी मुख्य जड़ को सीधा रखना होगा, फिर पॉटिंग करना होगा। धीरे धीरे यह मुख्य जड़ मोटी हो जाएगी और तने का आकार प्राप्त करेगी। और आपको ऐसा लंबा तना वाला टावर एडेनियम मिलेगा। ऑल अबाउट एडेनियम श्रृंखला की तीसरी कड़ी में साझा करूंगा एडेनियम प्रूनिंग प्रणाली, और मेरा दावा है वह आपके लिए एक नई जानकारी बन के रहेगी। कैसा लगा यह कड़ी आपको, टिप्पणी अवश्य करें। इस कड़ी में इतना ही, मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।